मेरे चैनल मिस पूजा कुकिंग में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज हम बनाएंगे मूंग दाल चीला पनीर स्टफिंग के साथ। इसके लिए हमें चाहिए अदरक, हरी मिर्ची, नमक, काली मिर्ची, धनिया, एक शिमला मिर्च कटी हुई, दो गाजर बारीक कटी हुई, 3 से 4 प्याज बारीक कटे हुए, मूंग की दाल, इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ है, ये धुली हुई मूंग की दाल है, और पनीर है 150 ग्राम। ये सारा सामान हमें चाहिए। सबसे पहले हम जो हमारी दाल है इसको पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए हमारी दाल का हमने पेस्ट बना लिया है। इसमें हम मिलाएंगे काली मिर्च पाउडर, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें करीब हम आधा कप पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अभी हम थोड़ा और पानी डालेंगे क्योंकि जो हमारा पेस्ट है वो थोड़ा गाढ़ा है, इसका जो पेस्ट होता है वो थोड़ा पतला होता है, तो हमें इसमें पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी जो है उसको एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए करना है, जिससे हम तवे पे इसे अच्छे से फैला पाएँ। इसके अंदर हम मिलाएंगे हरा धनिया, बारीक कटा हुआ हमारा हरा धनिया, और ये जो हमारा पेस्ट है चीले का वो आप देख सकते हैं बन के रेडी है। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें करीब हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें हमारी एक हरी मिर्ची कटी हुई और अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ डालेंगे और इसे ज़रा सा अच्छे से पकाएंगे। फिर इसमें हम जो हमारे प्याज हैं बारीक कटे हुए, 3 से 4 प्याज हैं, उन्हें डालेंगे। ये 3 से 4 प्याज हैं बारीक कटे हुए हैं, इसे हमें डाल के करीब 1 मिनट पकाना है। हमें सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है। इसमें एक शिमला मिर्च डालेंगे और 2 गाजर डालेंगे बारीक कटी हुई। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग भी इसमें सब्जियाँ डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे काली मिर्च और नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, कैसा आप तीखा ज़्यादा जो भी खाते हैं वैसा आप कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो इसमें अमचूर भी डाल सकते हैं खट्टा खटास के लिए। इसके अंदर हम डालेंगे हरा धनिया अच्छी क्वांटिटी में, जिससे जो हमारा स्टफिंग में बहुत टेस्टी लगेगी। इससे हम ठंडा होने के बाद इसमें हम मिलाएंगे पनीर। आप पनीर को चाहें तो कद्दूकस करके डाल सकते हैं, चाहें तो आप इसे हाथ से मैश करके डाल सकते हैं। इसे हमें अच्छे से इसमें मिक्स करना है। अगर आप कद्दूकस करके डालते हैं तो कद्दूकस कर लीजिए, अगर काट के डालना चाहें तो काट के डाल सकते हैं। हमारी स्टफिंग रेडी है। अब हम एक पैन लेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे। हमें जो हमारा पैन है वो ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। आप हाथ लग के देख सकते हैं हमारा जो पैन पे हीट थी वो सही है। इस पर हम थोड़ा बैटर डाल के इसे अच्छे से एक ही डायरेक्शन में फैलाते रहेंगे चारों तरफ। इसे जो हमारा चीला है वो ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, पतला ही होता है चीला जो होता है, ज़्यादा जो हमारा डोसा बनता है उससे हल्का सा मोटा होता है, ज़्यादा मोटा ना रखें। जब चीला एक साइड से पलट जाए तो इसे दोबारा पलट दें। और जो हमारा चीला है आप देख सकते हैं दोनों साइड से बन चुका है। इसके अंदर हम हमारी स्टफिंग भरेंगे चीली, ये बेस मूंग दाल चीला जो है आप ये नाश्ते में बना सकते हैं, ये बच्चों को बहुत पसंद आता है और ये बहुत ही आसानी से अच्छा इजी हेल्दी आपका एक नाश्ता हो जाता है और ये बहुत ही फुलफिलिंग होता है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसे स्टफिंग डालने के बाद इसे हमें रोल करना है। आप इसे और ये देखिए हमारा मूंग का जो चीला है, मूंग दाल का चीला रेडी है। आप इसे ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।